जय बुंदेलखंड। हम आए थे आज आज कहाँ दो दिन अलग हो गए भवानी, और जो देखो भवानी का मंदिर कितना भारी ऊँचा है, देख सका तो मुझे पचास शंका है। ये जाया माँ जी जा ना दिखाइए तेने सकल सकल दिखाइयो देखो बोल मतलब के पे आए थे और बस अभी जा रही हम जा बस स्टैंड थोड़ी सी सी दूर है, मेरे को शंका शंका चलो नहीं कर मैं कैसा लगू बढ़िया है सफर बढ़िया कर रहे बढ़िया है कि सबसे बड़ा घटिया है सफर बढ़िया कर रहे कहाँ है पसीना आ रहा तुम खुद देख सकता था मैं तो पसीना के वहाँ रहा लगी तो मिलते हैं बस स्टैंड लो तब तक खेलाना जयराम जी की जय बुंदेलखंड। तो भैया हम आ गए बस स्टैंड, लेकिन इतने की एक खास गस्सो है, इतने जितनी भी बस मिले एक कलाई की मिलती मतलब एक से माँ की देख सकत बस ही बस खड़ी हूँ। हमें जाना है नागपुरा, निकलत जा रहा है एक दिन बस रुक रहा है हर एक जगह पे, रूम लो तो रूम को किराया भी नहीं दे के आए, एक दिन के लाने लो तो आ शिवानी ये रही भाई बस ऐसे ऐसे मौके हैं सारे बस उतरने भैया हम बैठ गए हैं बस में और बस हमारी जान लगी रोहतक के लाना, रोहतक से चाहे फिर ट्रेन से जाए या बस से जाए जो बता नहीं सकता है कैसे जा रहा है। बस स्टैंड स्टेशन की आई चलन लगी अब बताओ थे हम कहाँ गए रेलवे स्टेशन वाली बस स्टैंड भैया तो हम पहुंच गए हैं सोनीपत की बस स्टैंड पे और हम बैठे थे हमने उधर से पता नहीं पाओ तुम बोल रहे ना कहाँ कोई शहर कैसे हो भाई चैनल का क्या नाम है तो भैया रो एक भाई मिल गए यहाँ से और नाम के भाई जी आ रे आ जाएगा बोरे प्रवेश भैया सर्च करो सर जयराम जी की जय बुंदेलखंड और हम जा है मुंडका, तो देख सकते वो खाली हो गई बात नंदा तो अब मस्त बन गया ए सी लगी उसमें देखो पूरे में भाई टिकट भी बहुत महंगी कटती है यहाँ पे अभी भूल के मत आ जाइए बस में। तस्वीर तो थोड़ी बचा नहीं है क्या तस्वीर दिखा दी अपने पलटरी लेते हैं मैं मैम जी हां सर फोटो भेज गई तो पहुंच के तो यार रानी खेड़ा पहुंच गए तो भैया रो हम ले चुके रूम भी ले आए हम छोले भटोले भी खा गए मन के अब बस जो धवे थे सामान अब जा रहा सीधी रूम पे सर रूम पे बताया तो मैं जरूर के रूम के तब चलाओ मैंने और न के नहीं लाओ ठीक है रूम से बहुत एक नंबर का लग हुआ 1500 रुपया किराया है उनको और बिजली बिल भी अपना है उनमें और रूम है 5x8 को तनक से रूम है
हम तीन जन का नहाने भाई साहब बोलो ये पेशेंट बोला नहीं लग सकता तो कितना मस्त है अब तुम्हें दिखवाए आगे आगे चल के देखिए दूसरा भाग ये तो आगे चल के देखिए दूसरा भाग हाँ यही ब्लॉग में दिखा तो हम भाई बताया जाके ठीक है। अब हमने तो यहाँ छोले भटूले खाए और सामान हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया और सामान के पास में तो नहीं गए तो मिले थे अब रूम के पास में तब तक खिलाना है जयराम जी की जय बुंदेलखंड। हम ना ठेकेदार गए थे ठेकेदार हैं तो भैया जयराम जी की जय बुंदेलखंड जो है हमारा रूम जो ना अवेलेबल है हमने और देखो हमने तेरे कपड़ा पर टांग दिया बैग वहाँ पर टांग दो कपड़ा ये टांग दे सारे और ब्लूटूथ यहाँ पर वो बल्ब भी लाए थे हम जिसमें बल्ब भी नहीं था और ये लगा हमारा बल्ब सफ़ेद वाला यहाँ पर चार्जर लगा दिया और लाइट का बिल अब इनको देना है और कमरे का किराया बता ही दिया था 1500 रुपये और यहाँ पर अपना सब सामान जो है थोड़ा बहुत छोटा छोटा मंजन ब्रश से लेके सब और इसमें रखे यहाँ भी बर्तन वगैरह के जो भी है वो छत पे जाके दिखा रहे हैं हम आपको। तो ये रहा हमारा रूम अकेले नहीं रहती भाई यहाँ पर बहुत सारे आदमी रहते हैं और ये रहा छत पे जाने का रास्ता। तो चलिए अब आ गए हम छत पे देख सके तो हम भी बैठे होते हुए दो लोग जा रहे हैं हमारे और अब दिखा रहे हम तुमको ये रहा पूरा नज़ारा कौन सो दुकान मुंडका शहर में है भाई देख सकते हो ये शंकर और हमारे जी पुष्पेंद और हम यहाँ पर देख सकते हो ये सिटी है यहाँ पर भाई साहब मिलता है इसलिए यहीं पर पास में रूम ले लिया। ओहो बड़ी लाइन भी कड़ी है यहाँ पर देखो बगल से तो अब कर रहे हैं हम लोग बंद और अब जयराम जी की जय बुंदेलखंड। अब मिलत हैं आगे देखते हैं कि का क्या सब हो रहा हो का नहीं हो रहा हो जो हुज्जे सो देखो जे है भैया निपटू जे है